केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के करणपुर पहुंचे, जहां पर सीआरपीएफ की राइजिंग सेरेमनी में वो शामिल हुए। नक्सलियों के गढ़ से गृह मंत्री ने हुंकार भरी। साथ ही साथ शाह ने कहा कि बुहा पहाड़, चक्रवंदा और पारसनाथ को हमने वामपंथियों से मुक्त किया है, यहाँ के लोग अब मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। वही शाह ने कहा कि एनआईए और ईडी के माध्यम से नक्सलियों की फंडिंग पर नकेल कसने का काम किया जा रहा है। साथ ही सीआरपीएफ में बस्तरिया बटालियन की शुरुआत की गई है, जिसमें स्थानीय युवाओं को मौका दिया जा रहा है। बस्तर क्षेत्र में लोगों को सीआरपीएफ की ओर से मेडिकल सुविधाएं दी जा रही है। मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगा देश की जनता को, इस परेड के माध्यम से बुरा पहाड़ और चक्रबंदा और पारसनाथ, ये 22 जंक्शन को आज पूर्णतया वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करकर देश की मुख्य धारा में लाने का काम समाप्त हो चुका है। ये और ईडी द्वारा भी अनेक प्रकार के केस दर्ज कर हम कठोर कार्यवाही कर रहे हैं, ये कदम उठाए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ बस्तरिया बटालियन में 400 स्थानीय युवाओं की भर्ती की गई है। वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र में सड़कों का निर्माण हुआ है। 398 पुल और छोटी पुलिया सीआरपीएफ ने ही बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र में फील्ड अस्पतालों की स्थापना की गई है और वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र में सीआरपीएफ ने 110 से ज्यादा मेडिकल कैंप लगाकर 18,000 से ज्यादा आदिवासी भाइयों बहनों को मेडिकल का फायदा पहुंचाने का काम और करोड़ों रुपयों की दवाइयां मुफ्त में बांटने का काम किया है।